इस वक्त हम लोग खड़े हैं सेक्टर 11 के डीडीए पार्क में। आज हम लोग आपको बताएंगे कि इस पार्क में लगे हुए बायो टॉयलेट की स्थिति कैसी है। प्रधानमंत्री की बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है, बायो टॉयलेट्स पूरे देश भर में लगाए जा रहे हैं, लेकिन डीडीए क्या उन बायो टॉयलेट्स का सही तरह से रखरखाव कर पा रही है, आज इस पर हम लोग एक विश्लेषण करेंगे। सेक्टर 11 के पार्क में बने इस बायो टॉयलेट पे हम लोग आए, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पानी भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश भर में टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, और डीडीए के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ बायो टॉयलेट पूरे द्वारका के पार्कों में जो लगाए गए हैं, उन पार्कों में पानी की भी बहुत भारी कमी है, जो लोगों को ये ज़्यादा परेशान कर रही हैं। टॉयलेट की स्थिति भी सही नहीं है, टॉयलेट काफ़ी गंदा है। ये इधर बगल वाले भी टॉयलेट को मैं कहूँगा कि एक बार दिखाएं, और इसमें अंदर बोतलें पड़ी हैं और काफ़ी गंदगी है। साथ ही जिस प्रकार से इन टॉयलेट्स को बनाने के लिए जो नीचे सीमेंटेड बेस बनाना चाहिए था वो भी नहीं बनाया गया, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये टॉयलेट जो है मिट्टी में धंसता चला जा रहा है। और अगर तेज़ बारिश हुई या पानी आया और ये मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है और ये टॉयलेट नीचे गिर जाए, और अगर इसके अंदर कोई बैठा हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बगल में एक वाटर टैंक है जिसमें पानी का पाइपलाइन भी आप देख रहे हैं, हूबहू यही वाइट वाली जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे टॉयलेट के साथ भी नीचे से अंडरग्राउंड इसे कनेक्ट किया गया है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि इसमें पानी नहीं है, टॉयलेट है, वाटर टैंक है, पाइपलाइन है, लेकिन टैंक सूखे हैं, उसमें पानी नहीं है। हमारे ठीक पीछे, हमारे सामने, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, ये यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है जहाँ से पूरे पार्क में पानी भरा जा रहा है। तो क्या डीडीए का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या जो भी डिवीज़न इन टॉयलेट्स के रखरखाव के लिए जिम्मेवार हैं, क्या वो इस पानी को इस टैंकर में नहीं भर सकता? अगर इनको इतना ही करने में दिक्कत हो रही है तो ये बायो टॉयलेट बेकार हैं, और प्रधानमंत्री की योजना को डीडीए विफल कर रही है। प्रधानमंत्री की योजना पे डीडीए के भ्रष्ट अधिकारी इसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं, सफाई अभियान में ये बहुत बड़ा नुकसान डीडीए के अधिकारी पहुंचा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो बायो टॉयलेट्स यहाँ पे रखे गए, इसके टेंडरिंग प्रोसेस में भी बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी CBI जाँच होने की मांग द्वारका के लोग कई बार कर चुके हैं। बोलते हैं कि इसकी प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुई, इसलिए जिस तरह के बायो टॉयलेट जो यहाँ लगने चाहिए थे वो यहाँ नहीं लग पाए हैं।